So, ChatGPT, should I invest in Adani stocks right now? So, I asked ChatGPT to help me with my finances and investing. And as expected, ChatGPT ने starting में मेरे से मेरी basic information मांगी. तो मैंने ChatGPT को बताया that I am a 25-year-old male who makes around 50,000 rupees every month. और महीने के end में लेकिन मैं सिर्फ 5,000 रुपये save कर पाता हूँ. एक typical situation average young Indian की. And right now, I am not directly asking about investing in stock market, cryptocurrency या फिर Adani stocks. ये question भी अभी मैं आगे पूछूंगा, बट अभी हम लोग सिर्फ वार्म अप कर रहे बेसिक फाइनेंस क्वेश्चंस के साथ. और स्टार्टिंग में ही चैट जीपीटी ने हमें काफी अच्छे सजेशंस दिए. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चैट जीपीटी ने सजेस्ट करा दैट आई शुड स्टार्ट ट्रैकिंग माय एक्सपेंसेस. एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 50,000 रुपए कमाने के बाद भी अगर मैं सिर्फ 5,000 रुपए सेव कर पा रहा हूं तो मेरे एक्सपेंसेस में जरूर कुछ गड़बड़ है एंड आई शुड स्टार्ट ट्रैकिंग इट. इसके अलावा चैट जीपीटी ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू क्रिएट अ बजट, बट यहां पे आई वॉज स्लाइटली disappointed, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर बजट क्रिएट करने की बात हो रही है तो चैट जीपीटी को 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग की भी बात करनी चाहिए थी एक बेटर आंसर देने के लिए. और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग सिंपली सेज कि आपको आपके इनकम का 50% अमाउंट अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस में खर्च करना चाहिए, 30% अमाउंट अपने लीजर एक्सपेंसेस में खर्च करना चाहिए और 20% अमाउंट अपने इनकम का आपको सेव करना चाहिए. देन थर्डली, चैट जीपीटी ऑल्सो सजेस्टेड मी टू सेव मोर मनी By cutting down my expenses. और इसके लिए चैट जीपीटी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ में मुझे फॉलो करने की भी जरूरत है, कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड ईटिंग फूड या फिर फूड डिलीवरी कराने से अच्छा है कि आप घर पे खाना बनाओ, क्योंकि एक तो वो हेल्दी भी होगा एंड फाइनेंशियली आप ज्यादा पैसे सेव करोगे. एंड फोर्थ एंड फाइनली एंड ऑब्वियसली, चैट जीपीटी रिकमेंडेड दैट आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस 5,000 रुपीज, बट आई वॉज नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद दिस आंसर, क्योंकि 5,000 रुपए को इन्वेस्ट करे तो करे कहां, इसका भी मेरे को आंसर चाहिए था. और इसका आंसर मैंने आगे जाके निकाला भी बाय आस्किंग चैट जीपीटी फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस. पर उसके पहले मैंने चैट जीपीटी से एक बजटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा दैट आई हैव हर्ड सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स सेइंग कि हमें एटलीस्ट 30% इनकम अपना सेव करना चाहिए, जबकि मैं करंट सिचुएशन में सिर्फ 10% इनकम सेव कर पा रहा हूं, तो हाउ कैन आई इंक्रीज इट टू 30%. एंड सरप्राइजिंगली, चैट जीपीटी ने काफी अच्छे सजेशंस दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट आस्क्ड मी टू रिड्यूस माय एक्सपेंसेस, व्हिच इज आल्सो वेरी ऑब्वियस. सेकेंडली एंड अ वेरी गुड सजेशन, चैट जीपीटी ने मुझे बोला दैट आई शुड स्टार्ट अ साइड हसल, जिससे कि मैं एक साइड इनकम बिल्ड कर पाऊं. और गाइस, मैंने फिजडम के चैनल पे साइड हसल एंड पैसिव इनकम आइडियाज पे एक वीडियो भी बनाई है, तो इसके बाद अब ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. एंड थर्ड एंड फाइनली, चैट जीपीटी रिकमेंडेड मी टू ऑटोमेट माय सेविंग्स. और ऑटोमेट योर सेविंग्स का सिंपली मतलब है कि आप अपने अकाउंट पे एक SIP स्टार्ट कर लो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, ताकि हर महीने जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आए, उस SIP से आपके पैसे ऑटोमेटिकली कट के सेव और इन्वेस्ट हो जाए और आप हर महीने 30% अपना इनकम सेव और इन्वेस्ट कर पाओ. सो मूविंग ऑन, अब मैंने चैट जीपीटी से इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, द रियल जूसी पार्ट. मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि लेट से आई मैनेज टू सेव 10,000 रुपीज एवरी मंथ, Where should I invest this money now? और स्टार्टिंग में चैट जीपीटी ने कुछ बेसिक बट अच्छी recommendations दी. First of all, it asked me to start some long-term investments like investing in a low-cost index fund or in a mutual fund. And this is actually a very good advice, since ऐसे investments करके मैं अपने पैसे को काफी अच्छे से diversify भी कर पाऊंगा across both stocks and bonds. और अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊं, तो हर महीने अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको आपके इस इन्वेस्टमेंट पे 12% का रिटर्न मिलता है, तो 40 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 11 करोड़ रुपए होगी. तो आप 11 करोड़ रुपए के साथ रिटायर कर सकते हो आफ्टर 40 ईयर्स. देन सेकेंडली, चैट जीपीटी ने मुझे रिटायरमेंट सेविंग स्टार्ट करने के लिए बोला, विच आई कैन डू बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू IRA और 401k. नाउ रिमेंबर, IRA और 401k USA के रिटायरमेंट फंड या स्कीम्स है. इंडिया में जो इसका ऑल्टरनेटिव है वो होता है आपका NPS या फिर PPF. तो आप भी इंडिया में अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए NPS या फिर PPF में पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो. एंड फाइनली, इट रिकमेंडेड मी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एंड बॉन्ड्स. और इस आंसर से मैं स्लाइटली डिसअपॉइंटेड
पॉइंट हुआ था क्योंकि आई टोल्ड चैट जीपीटी दैट आई कैन ओनली इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी मंथ, और 10,000 रुपीज में आप रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं स्लाइटली डिसअपॉइंटेड जरूर था, पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। मैंने चैट जीपीटी से थोड़े और ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे एंड टू बी ऑनेस्ट दिस टाइम आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड विद द आंसर्स। मजा आया। I asked ChatGPT whether I should invest in a single asset or diversify across multiple assets. और मैंने साथ में ये भी बताया कि अभी मेरे कोई short term financial goals है नहीं, but 30 की age पे I want to get married, तो मुझे उसके लिए save करना है, and 35 की age पे I want to buy my own house, उसके लिए भी मुझे सेव करना है, एंड दिस इज द आंसर दैट आई गॉट। चैट जीपीटी सेड दैट गिवन माय एज एंड रिस्क टॉलरेंस मुझे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि स्टॉक्स भी हो और बॉन्ड्स भी हो। और इसके साथ साथ चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि स्टॉक्स ज्यादा रिस्की होते हैं बट लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देंगे। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स कम रिस्की होते हैं और आपको कंसिस्टेंटली मॉडरेट रिटर्न्स देते रहेंगे। तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स का मिक्स करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे एग्जैक्टली कितना अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना अमाउंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चैट जीपीटी सेड कि वैसे तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक योर एज एंड योर रिस्क टॉलरेंस, बट फॉर समवन ऑफ एज 25 यू शुड इन्वेस्ट 80% ऑफ योर अमाउंट इन स्टॉक्स एंड 20% इन बॉन्ड्स, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज फेयरली गुड एडवाइस। और फिर फाइनली आई सेड कि 80% अमाउंट इन स्टॉक्स तो ठीक है, बट Should I invest in Adani stocks or not? तो September 2021 के बाद क्या क्या हुआ है चैट जीपीटी को इसकी कोई नॉलेज नहीं है, और हेंस चैट जीपीटी को जो अदानी और हिंडनबर्ग स्कैम और कंट्रोवर्सी चल रहा है उसकी भी कोई नॉलेज नहीं है। और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ मैंने चैट जीपीटी को थोड़ी सी करंट सिचुएशन की इंफॉर्मेशन भी दी, और चैट जीपीटी ने ऑनेस्टली इसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया। इट सेड कि हमें अदानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए, उनके बिजनेस मॉडल एंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप को एनालाइज करना चाहिए, और हमें नेगेटिव प्रेस और रेगुलेटरी एक्शंस के पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। नाउ ऑब्वियसली ये कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल या मिर्ची मसाले वाला आंसर नहीं था, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एडवाइस। एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी न्यूज और कंट्रोवर्सी, किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उनका अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये कंपनी किसी भी नेगेटिव न्यूज या स्कैम या कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो। और गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। ये एक काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।